गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड्स लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था एंड प्लाइट कंडीशंस एंड वारंटीज था। आज जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जो चैप्टर 3 है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता है, तो आज हम इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वर्ड हमने पहले भी डेफिनेशंस में पढ़ा है। डेफिनेशन में हमने प्रॉपर्टी का मीनिंग समझा था कि प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टी जब हमने डेफिनेशंस में पढ़ी थी तो डेफिनेशन में 211 में आपका प्रॉपर्टी दिया गया है। उसमें आपके प्रॉपर्टी में दिया गया था कि प्रॉपर्टी शुड बी जनरल नॉट स्पेसिफिक। इससे हमने मतलब समझा था डेफिनेशंस में जब हमने देखा था, तो हमने समझा था कि प्रॉपर्टी मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यहाँ पे प्रॉपर्टी से मतलब है कि आपकी ओनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए, नॉट पजेशन। पजेशन का मतलब होता है आप अपने गुड्स की कस्टडी जो है वो बायर को दे रहे हैं, आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। जब हम सेल ऑफ गुड में बात करते हैं तो उसमें ओनरशिप का मतलब है आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी आपकी जनरल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब जो टाइटल आप होल्ड करते हो वही टाइटल आप बायर को भी ट्रांसफर कर रहे हो। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपने बायर को या फिर आपने किसी सेकंड पार्टी को गुड्स प्लेज में दे दिए, ठीक है। तो वहां पे आप जब गुड्स को प्लेज कर रहे हो तो आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। तो जब प्लेज कर रहे हो तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, वो जनरल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होता है। जनरल का मतलब होता है कि आप ओनरशिप पूरी अपनी बायर को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक्चुअली में होता कैसे है, ठीक है। इसमें भी हम दो चीजें पढ़ेंगे। हमने जब डेफिनेशंस पढ़ी थी तो हमने गुड्स पढ़े थे कि गुड्स स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, गुड्स फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। तो हम दोनों सिचुएशंस में अलग अलग पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक गुड्स की सिचुएशन में कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी और उसके बाद फ्यूचर गुड्स की सिचुएशन में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैसे होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक गुड्स से स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि स्पेसिफिक गुड्स वो होते हैं जो सर्टेन होते हैं ऑलरेडी, या फिर ऑलरेडी सेलर के एक्वायर्ड होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं और वो डिसाइडेड होते हैं, या बायर डिसाइड कर लेता है कि ये ही वो गुड्स को खरीदेगा, ठीक है। वो आपके स्पेसिफिक गुड्स होते हैं, ठीक है। जब स्पेसिफिक गुड्स के ट्रांसफर की बात आती है, उसमें प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात आती है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पार्टीज का क्या इंटेंशन है उसको ट्रांसफर करने का, किस टाइम वो उस गुड्स को ट्रांसफर करना चाहती हैं। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर उनके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। बायर और सेलर्स अपनी टर्म्स में क्या डिसाइड करते हैं, ये ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी का होता है वो उन टर्म्स पे होता है स्पेसिफिक गुड्स के केसेस में, ठीक है। अब वो कौन सा इंटेंशन होता है, इंटेंशन कैसे पता चलता है कि बायर और सेलर का इंटेंशन क्या है, कब उस स्पेसिफिक गुड्स में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, तो उसके लिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में हमने जब पहले भी पढ़ा था कि टेस्टिंग कैसे होती है, उसमें भी हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होती है। यहाँ पे भी सेम वही चीज है, जिस तरीके से आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम किया है, या तो आपने टर्म्स में लिख दिया कि 15 दिन के बाद ट्रांसफर कर दो, आपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में ही लिख दिया, आपने सेलर और बायर ने एक टर्म बनाई, कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम किया, उसकी टर्म में लिख दिया कि 15 दिन के बाद गुड्स को ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद पार्टीज या तो सेलर या बायर ऐसा कोई कंडक्ट करती हैं जिससे उनके कंडक्ट से लगता है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी का हो गया है। लाइक मान लो कि जो सेलर है वो अपनी जो उसके पास ओनरशिप की जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको दे देता है बायर को, तो वहां पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में सर्कमस्टांसेस रही, ट्रांसफर गुड्स का किन सर्कमस्टांसेस में हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अब वो सर्कमस्टांसेस और
हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं, क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं, किस किस बेसिस पे, किन किन केसेस में जो स्पेसिफिक गुड्स हैं उनमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारी सिचुएशन है वो आपकी सेक्शन 20 में दी गई है। बेसिकली जब हम स्पेसिफिक गुड्स की बात करते हैं तो वो आपके जो सेक्शन डील करते हैं वो 20 करता है, 21 करता है, 22 करता है एंड देन 24 करता है। इन चारों सेक्शन में आपको चार अलग अलग सिचुएशंस बताई गई हैं कि गुड्स अगर स्टेट में है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब होगा, अगर सेकंड स्टेट में है तो कब होगा, तो वो हम अब पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेट आपकी दी हुई है वो आपकी सेक्शन 20 में दी गई है। सेक्शन 20 आपका कहता है कि अगर आपके गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है और उन गुड्स का प्राइस ऑलरेडी डिटरमाइंड हो चुका है, अगर वो सिचुएशन है, डिलीवरेबल स्टेट की डेफिनेशन हमने सेक्शन 2-3 में पढ़ी थी। 2-3 आपका कहता है कि डिलीवरेबल स्टेट वो होती है जहां बायर बाउंड हो जाता है गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए, ठीक है। अब गुड्स उस स्टेट में है जहां बायर बाउंड है डिलीवरी लेने के लिए, प्लस उनका प्राइस भी डिटरमाइंड हो गया है। ऐसे केस में जो आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है बायर को, ठीक है। पजेशन हो सकता है नहीं हो रहा हो ट्रांसफर, लेकिन ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है जैसे ही गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाते हैं और उनका प्राइस डिटरमाइंड हो जाता है। और ये जो आपका ट्रांसफर होता है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेलर ने या बायर ने कोई टर्म्स डाल दी कि 15 दिन बाद या फिर अगले दिन मैं आपको गुड्स की डिलीवरी दूंगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, ये कंडीशंस उसमें नहीं होनी चाहिए। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनकंडीशनल होना चाहिए और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएटली हो जाता है। उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पेमेंट किस टाइम पे कर रहे हो या फिर प्राइस किस टाइम पे कर रहे हो या फिर डिलीवरी किस टाइम पे हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही ये दो सिचुएशन सेटिस्फाइड होती हैं वैसे ही प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो जाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, बाइसाइकिल का एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए बायर ने सेलर से कहा कि आप मुझे एक बाइसाइकिल दे दीजिए, क्रेडिट पे दे दीजिए, मैं आपको जो पेमेंट है वो 8 दिन में कर दूंगा, लेकिन जो डिलीवरी है वो अगले दिन ही कर दीजिए। तो जैसे ही वो डिलीवरी हो जाती है, वहाँ पे डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स आ जाते हैं बायर को, जिस दिन उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, कोई कंडीशन नहीं है, वैसे ही वहाँ पे जो ओनरशिप है वो बायर को ट्रांसफर हो जाती है। अगर उस दिन जिस दिन डिलीवरी करनी थी उससे पहले ही गुड्स का थेफ्ट हो जाता है या फिर वेयर हाउस में आग लग जाती है, गुड्स अभी भी, मतलब बाइसाइकिल अभी भी सेलर की ही पोजेशन में है, तो भी बायर ही उसमें रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बायर सेलर से अपना प्राइस क्लेम नहीं कर सकता है, अगर पे कर देता है तो इसमें तो उसने पे किया ही नहीं है, बट किसी भी डैमेज के लिए भी उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है, क्योंकि आपने अपनी टर्म्स में लिख दिया कि क्रेडिट पे लेंगे, नेक्स्ट डे उसकी डिलीवरी होगी, या आपकी अनकंडीशनल है, डिलीवरेबल स्टेट में है गुड्स और प्राइस दोनों का डिटरमाइंड है कि 8 दिन के बाद पे किया जाएगा। तो इस केस में आपके गुड्स में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस आपका कहता है कि प्राइस आपके जो गुड्स हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में है, मतलब डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन उनका प्राइस अभी भी डिटरमाइंड नहीं हुआ है। उन प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए सेलर बाउंड है कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे कि उन गुड्स का जो प्राइस है वो डिटरमाइंड हो जाए, है ना। और वो जो चीज है वो बायर की नॉलेज में भी होनी चाहिए। अब जब हम बात करते हैं कि सेलर वो समथिंग क्या करेगा जिससे कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए, गुड्स का प्राइस डिटरमाइन हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो आपने किसी सेलर के पास आप गए, आपने कहा कि मुझे ऑयल के कंटेनर्स चाहिए, ठीक है, 10 कंटेनर्स चाहिए, एक कंटेनर में आप कहते हो कि 5 लीटर ऑयल होना चाहिए। तो उस केस में क्या है कि गुड्स आपके पास डिलीवरेबल स्टेट में है, आपने
कंटेनर्स को क्या किया, कंटेनर्स में गुड्स को डाल दिया, ठीक है। और वो कंटेनर्स बायर की नॉलेज में भी है, बायर के सामने डाल रहे हो। मान लो आपको 10 कंटेनर्स चाहिए थे, 10 कंटेनर्स 5-5 लीटर के आपको चाहिए थे, आपने बायर के पास, मतलब बायर सेलर के पास गया, सेलर ने बायर के सामने 5 कंटेनर हैं जो वो फिल कर दिए और 5 उसके रह गए, ठीक है। जैसे ही उसने वो गुड्स उस कंटेनर में फिल किए, 5 जो कंटेनर फिल किए और बायर की नोटिस में वो गुड्स आ गए, वैसे ही ओनरशिप 5 कंटेनर की बायर को ट्रांसफर हो जाएगी। अब बात आती है रिमेनिंग गुड्स की, ठीक है। रिमेनिंग 5 अभी भी कंटेनर में नहीं डाले गए हैं और बायर चला जाता है वहां से, और फिर उसके बाद जो सेलर है वो ऑयल को कंटेनर्स में डाल देता है और 10 के 10 कंटेनर अभी भी सेलर के गोडाउन में रखे हुए हैं। और क्या होता है कि गोडाउन में थेफ्ट हो जाता है या फायर हो जाती है और 10 के 10 कंटेनर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इस केस में क्या होगा, जब हमने एग्जांपल किया है तो उसमें 5 कंटेनर जो है वो ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में भी आ गए हैं और उनका प्राइस भी डिटरमाइंड हो गया है, ठीक है। रिमेनिंग 5 बायर की नॉलेज में डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थे। यहाँ हमने कंडीशन पढ़ी थी कि दोनों होनी चाहिए, कि सेलर कुछ करना बाउंड होना चाहिए कुछ करने के लिए ताकि वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए और उनका प्राइस डिटरमाइंड हो जाए, और बायर को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट 5 जो कंटेनर है उनके केस में तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, लेकिन जो रिमेनिंग 5 है उसमें नहीं होती है। तो इस केस में क्या होगा, जो बायर है उसकी ओनरशिप सिर्फ वो 5 कंटेनर के लिए रहेगी, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ उन 5 कंटेनर्स की ही हुई है। अभी ओनरशिप 5 कंटेनर्स की ट्रांसफर हो गई है, 5 की नहीं हुई है। तो जो रिमेनिंग 5 है उसकी ओनरशिप अभी भी सेलर के साथ पास है, तो 5 के लिए सेलर लायबल रहेगा और रिमेनिंग 5 के लिए जो ट्रांसफर हो चुके हैं उसके लिए बायर लायबल रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड केस। अब बात आती है आपकी थर्ड केस की, ठीक है। थर्ड केस आपका कहता है कि गुड्स नॉन डिलीवरेबल स्टेट में है, ठीक है। गुड्स की डिलीवरेबल स्टेट में ही नहीं आया तो उसमें क्या होता है कि गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाया जाता है, फिर सेलर को उस पर कुछ काम करना है। मान लो बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बायर कहता है, एग्जाम्पल करते हैं, बायर ने सेलर को कहा कि मुझे आपसे गॉड की स्किन चाहिए, स्किन बेल्स चाहिए, एक बेल्स में मान लीजिए आप 5 kg होते हैं, तो वो कहता है कि मुझे ऐसे 10 बेल्स चाहिए। तो अब बायर को क्या करना, अब सेलर को क्या करना है कि वो गोट की स्किन को अलग अलग पैकेट्स में डालना है, एक एक बेल बनाना है, 10 बेल्स ऐसे बनाने हैं और वो एक बेल 5 kg का होना चाहिए, ठीक है। अब सेलर को वो उनको वेट करेगा या फिर मेजर करेगा, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस हैं, गुड्स का नेचर है, उस पर डिपेंड करता है, वो उसको वेट करता है या मेजर करता है, जो भी करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, गुड्स में प्रॉपर्टी तब तक आपकी ट्रांसफर नहीं होगी जब तक सेलर उस एक्ट को नहीं कर लेता है। और दूसरा, जो बायर है उसको वो नोटिस नहीं दे दिया जाता है। मान लो यहाँ पे जो गोट की स्किन के लिए बायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें उसने 5 गोट की स्किन के बेल्स बना लिए थे और उसकी नॉलेज भी बायर को दे दी थी, तो उस केस में वो एक्ट होने के बाद और बायर को नॉलेज देने के बाद वो जो गोट की स्किन के बेल बने थे उसकी ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो जाती है। पोजेशन सेलर के पास रह सकती है, लेकिन ओनरशिप जैसे ही ये पूरा एक्ट फिनिश हो जाता है, जो भी प्राइस डिटरमाइन करने के लिए करना था उनको या फिर जो भी उनको डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए करना था, जैसे ही वो दोनों एक्ट कंप्लीट हो जाते हैं वैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। ओनरशिप के ट्रांसफर होते ही गुड्स को अगर सेलर की पोजीशन में भी कोई लॉस होता है तो सेलर उसके लिए लायबल नहीं होता है, बायर ही लायबल रहेगा। इस केस में एक और सिचुएशन होती है, बायर ये कहता है, कंडीशन रखता है कि आप उनको प्राइस उनका सर्टेन कर लीजिए, असर्टेन कर लीजिए और उनको डिलीवरेबल स्टेट में ला लियाइए। मान लो कि सेलर यहाँ पे वेट कर लेता है गोट की स्किन का, उनको उसकी बेल्स बना लेता है, उसको पैकेट्स में डाल लेता है,
और बायर कहता है कि मैं फिर भी एक बार आके उसको चेक करूंगा या असर्टेन करूंगा उसका वेट, तो उसका उस कंडीशन का इस कॉन्ट्रैक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बायर उसको असर्टेन करता है या नहीं करता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही सेलर ने अपना एक्ट फिनिश किया, उसने वेट कर लिया, उसने वो एक्ट कर लिया जो प्रॉपर्टी को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए जरूरी था, जैसे ही उसने बायर को उसकी नॉलेज दे दी वैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बायर उसको असर्टेन करता है या नहीं करता है। अब जो हमारा लास्ट केस होता है वो सेल और रिटर्न का होता है। सेल और रिटर्न आपका सेक्शन 24 बोलता है। इसमें क्या होता है, आपने सेलर ने कोई गुड्स है वो सेल किए, ठीक है। मालूम मैं एक हॉर्स का एग्जांपल लेती हूँ। ए ने बी को हॉर्स सेल किया और उस हॉर्स में एक कंडीशन डाल दी अप्रूवल और सेल और रिटर्न, ठीक है, विद इन 8 डेज। अब क्या होगा इसमें, अप्रूवल और सेल और रिटर्न का क्या मतलब होता है? अप्रूवल और सेल और रिटर्न का मतलब ये हो गया, मान लो आपने ट्रायल के लिए किसी को गुड्स दे दिए, मैंने हॉर्स किसी को दिया, मतलब मैंने बायर को गुड्स, मान लो मैं सेलर हूँ, मैंने बायर को गुड अपना हॉर्स है वो दे दिया और मैंने उसे 8 दिन का टाइम दिया कि आप 8 दिन में अप्रूवल दे दो, ठीक है, और आपके पास ऑप्शन है या तो वो सेल हो जाएगी या वो रिटर्न हो जाएगी 8 दिन के बाद, ठीक है। आपने ये ऑप्शन दे दिया अपने बायर को, ठीक है, मैंने हॉर्स दिया, 8 दिन का टाइम दिया। अब क्या होता है कि 3rd डे वो हॉर्स की डेथ हो जाती है। जैसे ही 3rd डे उस हॉर्स की डेथ होगी तो उस केस में जब बायर है उसको अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो बायर लायबल नहीं होगा, सेलर ही उसका ओनर है और सेलर ही लायबल होगा क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, क्योंकि उसके लिए हमको असेंट देनी थी। या तो हम 3 दिन से पहले, अगर बायर असेंट दे चुका होता, मान लो बायर जो है वो मुझे 2nd डे ही फोन करके बोल देता कि मैं गुड्स को खरीदने के लिए तैयार हूँ, उसने जैसे ही असेंट दे दी तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, या फिर वो ऐसा कोई एक्ट कर देता है उन 3 दिन के अंदर अंदर, मान लो वो जो हॉर्स है वो किसी और थर्ड पार्टी को सेल कर देता है, वो यूज कर लेता है, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन कर लेता है जिससे मेरी ओनरशिप में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वो गुड्स की ट्रांसफर प्रॉपर्टी हो जाती है, मतलब वो ओनरशिप वहां पे बायर को ट्रांसफर हो जाएगी जैसे वो एक्ट करता है। थर्ड जो केस है, मान लो यहाँ 8 दिन का हमने टाइम दिया था, 8 दिन कंप्लीट हो जाते हैं और 8 दिन के अंदर अंदर वो कोई असेंट नहीं देता है अपनी, या फिर ऐसा कोई एक्ट भी नहीं करता है जिससे मुझे ऐसा लगे कि वो हॉर्स को नहीं रखना चाहता है, तो लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम के बाद जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। अगर इन तीनों में से कोई भी केस होता है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, अगर कोई केस नहीं होगा तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होता है और सेलर ही लायबल होगा। जैसे कि हमने ये केस किया, इसमें अगर वो हॉर्स 3 दिन में मर जाता है तो सेलर ही उसका ओनर है, वो ही रिस्पॉन्सिबल है लॉस के लिए, बायर नहीं रहेगा, बायर को प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओनरशिप का अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। ये आपकी बात हो गई यहाँ पे, जो आपके स्पेसिफिक गुड्स हैं उनके यहाँ पे गुड्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि ये ट्रांसफर होंगे, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड है। जो फर्क पड़ता है वो सिर्फ गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो वो डिलीवरेबल स्टेट में आने चाहिए, अगर उनका प्राइस असर्टेन नहीं हुआ है तो प्राइस असर्टेन होना चाहिए, और अगर कोई ऐसा एक्ट है जो सेलर को करना चाहिए उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में है तो वो सेलर को वो एक्ट करने के बाद वो गुड्स में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, और इन सारे केसेस में बायर को उसकी नॉलेज होना जरूरी होता है, उसको नोटिस देना होता है सेलर को। मान लो अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है और आ जाते हैं, जैसे ही वो आ जाएंगे वैसे ही बायर को नॉलेज देनी पड़ेगी, उसको नोटिस देना पड़ेगा, और जैसे ही वो नोटिस बायर की नॉलेज में आता है वैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। अब बात आती है आपकी फ्यूचर और अनअसर्टेन गुड्स की। जब फ्यूचर गुड्स की बात आती है तो आप मतलब ऑब्वियस है कि प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक गुड्स ही सर्टेन नहीं हो जाते हैं। आप जब तक गुड्स को असर्टेन नहीं करोगे तब तक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें भी दो सिचुएशंस होती है, इसमें दो सिचुएशन ये होती है,
कि या तो गुड्स असर्टेन हो जाते हैं, ठीक है, एंड जो बायर है या फिर सेलर है, दोनों में से कोई अनकंडीशनल अप्रूवल दे देता है उन गुड्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली जो सिचुएशन है उसमें क्या होता है, जब गुड्स असर्टेन हो जाते हैं, मान लो आप बोलते हो सेलर को बोलते हो कि आपके गोडाउन में जितना भी वीट पड़ा हुआ है मुझे उसमें से 10 क्विंटल वीट चाहिए, ठीक है। जब आपने ये बोला तो गोडाउन में बहुत सारा वीट था, आपको नहीं पता था कि कौन सा वीट है जो आपको मिलेगा। जैसे ही सेलर उस वीट में से 10 क्विंटल वीट आपके अलग निकाल के सेपरेट कर देता है और रख देता है और आपको बता देता है कि उसमें वो वीट है जो 10 क्विंटल वो अलग कर दिया है, वैसे ही वो गुड्स असर्टेन हो जाते हैं। जैसे ही ये दोनों एक्ट हो जाएंगे, ये यूनिलैटरल एक्ट ऑफ सेलर होता है, इसमें सेलर ही कोई ऐसा एक्ट करेगा उनको डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, प्लस वो नोटिस दे देगा बायर को। जैसे ही ये दोनों एक्ट हो जाएंगे वैसे ही प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना हो जाएगा, मीन्स ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरा जो केस है वो दूसरा केस है अनकंडीशनल अप्रूवल का, ठीक है। अनकंडीशनल अप्रूवल में म्यूचुअल कंसेंट होती है सेलर की और बायर की, वो दोनों म्यूचुअली एक कंसेंट से ये डिसाइड कर लेते हैं कि गुड्स का ऐसे इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसे वो असर्टेन हो जाएंगे, ठीक है। ये अप्रूवल जो है जो होता है ये सेलर का भी हो सकता है, बायर का भी हो सकता है, इसमें सेलर बायर की कंसेंट से भी कर सकता है और बायर सेलर की कंसेंट से भी कर सकता है, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बायर और सेलर फिर क्या होती है, म्यूचुअल कंसेंट में क्या होता है कि आपने गुड्स का कोई डिस्क्रिप्शन बता दिया कि इस क्वांटिटी के और इस क्वालिटी के गुड्स होने चाहिए, जैसे ही वो उस क्वांटिटी और क्वालिटी के गुड्स होते हैं वैसे ही उनका अप्रूवल हो जाता है, ठीक है। ये अप्रूवल आपका इंटेंशनल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक्सीडेंटली वो अप्रूवल दे दिया या फिर बाय मिस्टेक आप अप्रूवल दे रहे हो, नहीं, आप इंटेंशनली उस गुड्स के लिए अपना अप्रूवल दे रहे हो दोनों में से कोई सी भी पार्टी, और वो अनकंडीशनल होना चाहिए, दोनों की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि ये कैसे होता है, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन कैसे होता है, इसके लिए क्या होता है, सेलर बायर की असेंट से भी कर सकता है और बायर सेलर की असेंट से भी कर सकता है। जो असेंट होती है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, अप्रोप्रिएशन से पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है, ये चारों में से कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर, ठीक है। अप्रोप्रिएशन से मतलब होता है वही आप कह सकते हो एक तरीके से डिलीवरेबल स्टेट में लाना, या तो आप सेटिंग अपार्ट मतलब गुड्स को, जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि सेलर ने गुड्स को अलग से रख दिया तो वो डिलीवरेबल स्टेट में आ गए, असर्टेन हो गए, बायर को नोटिस दे दिया, तो इनमें से पैकिंग हो गई, कंटेनर्स में डालना हो गया, शिपिंग हो गई, लोडिंग हो गई, ऐसा कोई भी काम कर दिया आप डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली कर दिया, आप इंटेंशन आपका जो है वो इंटेंशनल होना चाहिए, मतलब आपकी खुद की असेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप मिस्टेक से कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंटेशन से कर रहे हो, अनकंडीशनली वो चीज कर दी। जैसे ही ये सारी चीजें आप कर देते हो वैसे ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अनअसर्टेन गुड्स में, फ्यूचर गुड्स में हो जाती है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। अब ये आपके दोनों टॉपिक यहाँ पे कवर हो गए कि फ्यूचर गुड्स में ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी और स्पेसिफिक गुड्स में कैसे होगी। अब जो लास्ट मतलब इसमें एक ही एक टॉपिक और आता है, मान लो कि आप क्या है करियर को अपना गुड्स की ट्रांसफर देते हो, ठीक है, डिलीवरी देते हो, मान लो मैं सेलर हूँ, मैंने क्या किया, मैं सेलर हूँ, मैंने एक रेलवे कंपनी को, ठीक है, रेलवे कंपनी को डिलीवरी दे दी आपके गुड्स की, आपने मुझसे गुड्स खरीदे थे, मैंने रेलवे कंपनी को डिलीवरी दे दी और मैंने रेलवे रिसीप्ट ले ली, मैंने रेलवे कंपनी को कहा कि आप जो गुड्स है वो किसको डिलीवर करेंगे, बायर को करेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रखी उन गुड्स को बायर को डिलीवर करने के लिए, मैंने रेलवे रिसीप्ट ले ली, रेलवे कंपनी बायर को उन गुड्स की डिलीवरी दे देती है। अगर आप करियर के थ्रू भी गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो भी वो भी वैलिड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है,
बट उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर इसी केस में रेलवे कंपनी को मैं गुड्स दे देती हूँ, लेकिन वो रेलवे कंपनी जो है वो बैंक को गुड्स से देती है, बैंक के पास हो सकता है कि बायर का कोई लोन हो या वो हो, तो बैंक को गुड्स की डिलीवरी दे देती है, तो वो कंडीशनल ट्रांसफर हो जाता है, तो उस केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। अगर अनकंडीशनल ट्रांसफर है तो करियर को गुड्स ट्रांसफर करने पे वैलिड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाता है, और अगर कंडीशनल है तो नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ट्रांसफर ऑफ टाइटल की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।